क्लास सिक्स आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 12 संसार पुस्तक है इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में इस पाठ को पढ़ लिया और समझ लिया है कि इस पाठ में किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखकर उनके सारे सवालों के जवाब दिए हैं और ये पत्र ही जो है पिता के पत्र पुत्री के नाम उससे ही लिया गया एक चैप्टर है, पाठ है, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया था ये चैप्टर? यस मैम। और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको अंग्रेजी में लिखा था और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया है इस पाठ का? हिंदी के मशहूर, हाँ मशहूर लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने। यस राइट, मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो चलिए अब हम इसके पहले प्रश्न को जानते हैं कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा जा रहा है। अब हैंड रेज करेंगे वन बाय वन। ठीक है, इस पाठ में आए कठिन शब्द आप लोगों ने लिख लिए कॉपी में? यस मैम। गुड, वेरी गुड। उद्देश्य लिख लिया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो आप। एक्सक्यूज मैम। बोलो बेटा, बोलो बेटा। मैं उस दिन मेरी बुक नहीं मिल रही थी ना, तो मैंने वो वन मीनिंग नहीं लिखी। अब लिख लेना बेटा, अब लिख लो, अब मिल गई ना, अब लिख लेना। चलिए पहला क्वेश्चन है, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है, बताओ। हाँ, हैंड रेज करना, एक साथ नहीं बोलना, हैंड रेज। मैं बोलूंगी, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? चलो प्राप्ति अग्रवाल बोलो। मैम छोटे जी। ओके मैम। लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़ों, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है। वेरी गुड। हाँ तनिष्क, आप बताइए बेटा। तनिष्क। यस मैम। मैम लेखक ने प्रकृति के अक्षरों को चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, नदियों और समुद्र को कहा है क्योंकि वे प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। हाँ वेरी गुड। भूमिका आप बताइए, भूमिका। लेखक ने प्रकृति के अक्षर चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है। हाँ गुड। चारवी, चारवी बेटा। मैम दिस क्वेश्चन, मैम फर्स्ट। यस। लेखक ने प्रकृति के अक्षरों को वो चट्टानों के टुकड़े, वर्षों, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियों आदि को कहा है। गुड। तो क्लियर हो गया आप लोगों को? मैम कैन आई टेल? हाँ आप भी बताइए बेटा, आप भी बताइए। मैम लेखक के अनुसार पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियों और अनेकों ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से इतिहास को पढ़ा जा सका, इसलिए लेखक ने इन सब चीजों को प्रकृति के अक्षर कहा है। गुड, वेरी गुड आंसर। देखा आप लोग, जितना इसको पढ़ोगे समझोगे आपको समझ में आएगा। यस राइट आंसर। अब लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? सेकेंड क्वेश्चन, आदित्य विश्वास। लाखों करोड़ों वर्षों पहले हमारी धरती में किसी जीव जंतु का वास नहीं था और उसके बाद कुछ जानवरों का वास चला और उस समय हमारा इतिहास नहीं छापा गया था। रितुल बजाज, रितुल बजाज, रितुल। मैम कहना है? यस बेटा आप बोलो। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी। हाँ लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी उस समय। फिर धीरे धीरे हमारे वातावरण में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया और फिर जानवर, वनस्पतियां और फिर मनुष्य इस पर रहने लगे। यस बेटा।
मैम कैन आई टेल? हाँ बोलिए आप। मैम कैन आई टेल? हाँ कैन आई टेल? लाखों वर्ष पहले हमारी धरती गर्म थी, जिसमें कोई जानवर और मनुष्य नहीं रह सकते थे, उनका रहना बहुत असंभव था। यस राइट यस भूमि। मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो आप बोलो। लाखों करोड़ों वर्ष पहले जब मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था तो यह पृथ्वी बेहद गर्म थी। धीरे धीरे उसमें विभिन्न तरह के परिवर्तन हुए और सबसे पहले जानवरों और पेड़ पौधों का अस्तित्व आया। चलो भूमिका आप बताओ। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी और उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी, इसी कारण उस समय धरती पर मनुष्य का अस्तित्व उसमें परिवर्तन होते होते गए और धरती में जानवरों और पौधे का जन्म हुआ। हाँ बिल्कुल सही, बहुत सही आंसर। समझ में आ रहा आप लोगों को ना बिल्कुल अच्छे से? यस मैम। हाँ थर्ड क्वेश्चन है, दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है, कुछ चीजों के नाम भी बताएंगे लिख लेंगे। चलिए बताइए तरेश शर्मा। यस मैम। दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वृक्षों, पहाड़ों, सितारे, नदियों, समुद्र, जानवरों की हड्डियां आदि चीजों से जाना जाता था। बिल्कुल सही। लक्ष्य जिंदल। लक्ष्य जिंदल काव्या। हाँ बोलो। दुनिया का पुराना हाल चट्टानों के टुकड़े, वर्षों, पहाड़ों, सितारों, नदियों, जानवरों की हड्डियों आदि चीजों से जाना जाता है। बिल्कुल सही आंसर। काव्या आप बताओ। काव्या मैम, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, सितारे, समुद्र, नदियां, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों से पता चल सकता है। बिल्कुल सही काव्या। सक्षम शर्मा। सक्षम सक्षम। यस मैम। बोलो। नो। यस जैन। यस जैन। यस जैन। यस जैन थर्ड का आंसर बोलिए। यस जैन आप क्लास में होते हुए भी आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हो, वेरी बैड थिंग। चलिए थर्ड क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस। फोर्थ क्वेश्चन है, गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है। चलिए बोलिए। मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई टेल? वन बाय वन। कैन आई टेल? वन बाय वन। वन बाय वन बोला ना मैंने, वन बाय वन एक साथ सारे बोलेंगे तो नहीं बोल रहे। नो। लक्ष्य जिंदल बोलो। ओके मैम। लोग चमकीली नोकीली चमकीली रोड़ा अपनी क्या कहानी बताती हैं? लोड़ा चम लोड़ा नो गोल 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 बोलो बेटा। गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता हुआ कहता है कि वह कभी एक चट्टान का हिस्सा था। एक दिन पहाड़ से बहते हुए पानी के उस बहकर घाटी के भेज दिया। ये से आगे एक घाटी नाली ने उसे आगे धकेलकर नदियों में पहुंचाया कि इस प्रकार अपनी इस यात्रा में खिते खिते ये चला गया।
नो। चार भी बोलो। मैम कहना है? हाँ बोलो, आप बोलो, आप बोलो, वन बाय वन मैंने बोला। जब मैं किसी का नाम लेती हूँ तो वेट कर लिया करो। बोलो चार्वी। चार्वी नहीं सुन रही है। तनिष्क बोलो। ओके मैम। गोल चमकीला रोड़ा अपनी कहानी बताता है और कहता है कि वह भी एक चट्टान का हिस्सा था, पर पहाड़ों में से पानी बहते हुए उसे बहाकर घाटी में ले गया और आगे पहाड़ एक पहाड़ी नाले ने उसे आगे धकेल कर दरिया में पहुंचा दिया। इसी प्रकार घिस घिस कर वह चमकीला रोड़ा गोल और चमकीला बन गया। किसी पहाड़ का जो टुकड़ा गिरा होता है वो किस तरह से कहाँ से बढ़ते हुए चमकीला रोड़ा जो है अपनी कहानी बता रहा है कि वो एक चट्टान का हिस्सा था और एक दिन पहाड़ी से बहते हुए पानी में जाकर, मतलब पहाड़ी के ऊपर से गिरता हुआ जाकर के पानी में किसी गिर गया और वहां से जो है वो फिर एक पहाड़ी नाले में पहुंच गया और उस पहाड़ी नाले ने उसको धक्का मारकर किसी पानी ऐसी जगह पर बहा दिया जहां से कि वो आगे लुढ़कता चला गया और फिर वो उस तरह से घिस घिस करके एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए घिस घिस करके वो गोल चमकीला रोड़ा बन गया। नेक्स्ट है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से उत्तर दो। चलिए प्राप्ति बोलो। ओके मैम। गोल चमकीले रोड़े की को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जरा जरा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू बालू के छरौंदे बनाते। घरौंदे, घरौंदे। मैम कहना है टर्न? हाँ बोलो, आप भी बोलो, आप बोलो। अगर दरिया गोल चमकीले रोड़े को अपने साथ और आगे बहाकर नहीं जाता तो दरिया में लुढ़कते लुढ़कते उसका अस्तित्व एक चमकीले नुकीले रोड़े से अंत में बालू का एक जरा मात्र रह जाता और अंत में समुद्र के किनारे समुद्र की रेत बनकर बालू का किनारा बन जाता जिस बालू पर बच्चे खेलते कूदते और मस्ती करते पर अनेकों बालू के घर बनाते हुए आनंद का अनुभव लेते। और कोई? एनीवन? शिवम? सक्षम बोलो, आप भी बोलो सक्षम। यस मैम। गोल चमकीले को यदि दरिया और आगे ले जाती तो वो छोटा होते होते अंत में बालू बालू एक बालू बालू जरा हो जाता तो समुद्र के किनारे अपने भाइयों से मिल जाता जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरेदे बनाते। क्लियर हो गया आप लोगों को? फाइव क्वेश्चन तक सबको क्लियर हो गया? यस मैम। अब अगला सिक्स क्वेश्चन है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्या बताया? पाठ के आधार बताइए, दुनिया कैसे शुरू हुई होगी इस बारे में उन्होंने क्या बताया है, पाठ के आधार पर इसका आंसर दीजिए। चलिए मैम कहना है? यस बेटा बोलिए। मैम कहना है? ओके मैम कहना है, नेहरू जी ने बताया कि धरती लाखों करोड़ों साल पुरानी है और पहले वह बेहद गर्म थी और कोई और वह उस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। धीरे धीरे वहां पे आदमियों का अस्तित्व बना
और पेड़ पौधे भी उगने लगे। बिल्कुल, उन्होंने क्या बताया है नेहरू जी ने कि धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, शुरुआत में ये बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी जानदार चीज नहीं रह सकती थी, फिर आदमियों को पहले आदमियों से पहले जो है जानवर थे और उससे पहले भी कोई जानदार चीज नहीं रहती थी, मतलब पहले तो आदमियों से पहले इस पर क्या कौन रहता था, जानवर, जानवरों से भी पहले उसका कोई भी जानदार चीज नहीं रहती थी, फिर धीरे धीरे जब इसमें कुछ परिवर्तन आया तब इस पर जानवर वनस्पतियां और मनुष्यों ने रहना शुरू किया। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब अगला है इसमें पत्र से आगे, पत्र से आगे के कुछ क्वेश्चन है इसमें। ऐसे लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि हर हर जगह हर लोग हर माँ बाप हर माता पिता या जानने वाले है ना, दुनिया कैसे बनी, दुनिया क्या, इस बारे में कोई ना कोई कहानी प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है, कौन बताएगा इसको? पहले हैंड डाउन करो फिर अगेन हैंड रेज करिए, क्योंकि ऑलरेडी सबके हैंड हैंड अप है। डाउन करिए, सब डाउन करिए हैंड, जो न्यू हैंड रेज करेंगे उन्हीं को मैं बोलूंगी। अवनी अग्रवाल, अब हैंड रेज करो, अब हैंड रेज, यस तरिश बोलो, अब तरिश बोलो, रितुल बजाज भी अब, हाँ रितुल बजाज बोलो बोलो, पहले तरिश बोलो। धरती बहुत गर्म थी लेकिन उस पर कोई पेड़ पौधे ना थे, इसलिए वहां पर हवा का वायु का भी कोई अस्तित्व नहीं था। जैसे जैसे पेड़ पौधे का अस्तित्व वहां मिलने लगा, इसलिए वहां पर वायु भी आने लगी और उस वायु के चलते कुछ जीवों का जन्म हुआ, मनुष्य व जानवरों का जन्म हुआ। यस बेटा, ये तो आपको जैसा कि मालूम है कि हमारी धरती बहुत गर्म थी, धीरे धीरे परिवर्तन आया और उस पर धीरे धीरे जो है वनस्पति पेड़ पौधे जानवर और मनुष्य सब लोगों का यहाँ पर शुरुआत शुरू हो गया है ना। तो ये सारी कहानियां हमारे भी दुनिया में प्रचलित है, हमारे भी यहाँ पर प्रचलित है कि पहले हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जानदार चीज नहीं रह सकती थी, बाद में जब इसमें परिवर्तन आया तब इस पर धीरे धीरे पहले जानवर वनस्पतियां और फिर मनुष्य रहने लगे। अब है तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों, कोई ऐसी किताब जो तुम्हें पढ़ना बहुत अच्छा लगता है वो उसका नाम बताओ और वो पसंद क्यों है, किस कारण से वो पसंद है बहुत, ये भी बताओ। चलो कौन बताएगा, तनिष्क ही बताएगा खाली, अब यहाँ पर किसी के आंसर नहीं आ रहे, बोलो तनिष्क, तो आप बोलो। यस मैम, तुम्हारे पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? मेरी पसंदीदा किताब मैम, कैन आई टेल इन दैट इंग्लिश, बिकॉज मैम द नेम इज इन इंग्लिश। हाँ 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 बिल्कुल, कोई भी जो आपकी पसंदीदा है वो बोलो। मेरी पसंदीदा किताब साइंस की इंसाइक्लोपीडिया है, क्योंकि मैं उसमें ज्योग्राफी, स्पेस ज्योग्राफी और सोलर सिस्टम के बारे में बहुत चीजें जानता हूँ। यस बिल्कुल सही, जान पाता हूँ मतलब उससे मुझे मेरी जानकारी में वृद्धि होती है ना। हाँ आप भी बोलो, आप भी बोलो। मैम आई बट आई डजंट हैव दैट इन माय हाउस, आई स्टडी दैट बाय द गूगल, आई रीड दैट बाय द, नो प्रॉब्लम। वो भी आज के टाइम पर वो ही बुक ही है, वो भी एक तरह का आजकल यहाँ से भी हम बुक ही प्रोवाइड हो जाती है हमारे लिए है ना, गूगल से भी आजकल बहुत जो बच्चे इस तरह से इंटेलिजेंट होते हैं ना और आगे अगर उनको बढ़ना, जिस भी बच्चे को आगे बढ़ना अपने जीवन में, आप अभी छोटे हो और अभी से ये चीजें अगर अपने लाइफ में आप बना लोगे, आजकल इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जो कि आप पढ़ सकते हो और ये अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस तरह की चीजों को सर्च करके अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी बात है, जरूरी नहीं कि आप किताब खरीद कर लाइए तभी पढ़े, नहीं, आपके पास तो इतने सारे सुविधाएं आज के टाइम में आ गई, नेट
गूगल सर्च करो, किताब का नाम लो, अपलोड करो और लेके पढ़ लो, काम खत्म, है ना। तो इससे आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान ये सब बढ़ता है, आपको बहुत सारी चीजें मालूम होती है जिसके बारे में कि शायद शायद अगर देखोगे तो हमें भी नहीं मालूम होगा। आजकल के बच्चों को ये सारी चीजें इस तरह से मालूम होती है क्योंकि वो इस पर पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हमें भी, हम भी पढ़ते हैं, हमें भी अपनी जानकारी अगर बढ़ानी है, किसी को भी बड़ा हो या छोटा हो, अगर आपको अपनी जानकारी बढ़ानी है तो इस तरह की किताबों को पढ़ना चाहिए, ठीक है। यस राइट आंसर। नेक्स्ट है, मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर में शहर है? हाँ बोलो सक्षम शर्मा। मसूरी अंतरगा और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। गुड गुड वेरी गुड, उत्तर प्रदेश में है मसूरी और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। मसूरी उत्तराखंड में है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। मसूरी तो उत्तर प्रदेश में नहीं है, मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दो चीजें अलग अलग पूछी है ना, तो दोनों का अलग अलग नाम बताना होगा कि मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर हैं। तो आप लिखोगे मसूरी उत्तराखंड में है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। और ऐसे भी लिख सकते हो कि मसूरी उत्तराखंड और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांतों के शहर हैं, ऐसे भी आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्लियर क्लियर तनिष्क भूमिका? यस मैम। गुड यस मैम। गुड गुड। फिर नेक्स्ट है, लास्ट है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को जब हम ऐसे रगड़ते हैं, ये टच करते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ते हैं, तो आदि मानव ने आग की खोज की। इस तरह से दो पत्थरों को रगड़कर, है ना, मनुष्यों ने आग की खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था बताइए तो जरा। उस युग में हाँ तनिष बोलो बोलो तनिष बोलो 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 यस वन बाई वन वन यन बाई वन पत्थरों का उपयोग अन्य कामों में होता था, खेती के औजार बनाने में, शिकार के लिए हथियार बनाने में, आत्मरक्षा के लिए मकान बनाने की। हाँ हाँ गुड बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब ये देखा आप लोगों ने, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए, ठीक है। क्लियर यस या नो बोलो। Yes, ma'am. तो ये आप अपनी नोटबुक में अब आराम से पूरा इसकी पिक्चर वगैरह ड्रा करके जो हमारे इस चैप्टर के हैं ये आप कर लोगे, और ये सारे क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं वो भी कर लोगे। यहाँ पर है अनुमान और कल्पना, ये आप लोगों का हो सकता है कि सब्जेक्टिव और जो दूसरे क्वेश्चन आते हैं आपके उससे रिलेटेड कुछ बनाया जा सकता है। जैसे कि हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है, कोई भी चीज की निर्माण यानी बनाना होता है तो उसकी एक कहानी होती है। जैसे कि अगर मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी गद्दे रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है, इसी तरह से वायुयान साइकिल अथवा किसी अन्य यंत्र के निर्माण की भी कहानी होती है कि किस तरह से वायुयान बना, साइकिल बनी, कैसे क्या कौन, ये सारी चीजें इसके अंदर बताया जाता है, है ना, कहानी होती है। कल्पना करो कि यदि रसगुल्ला रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि वह पहले दूध था, फिर उसे दूध से छेना बनाया गया, फिर उसे गोल आकार दिया गया, फिर चीनी की चाशनी में डाल के पकाया गया, उसके बाद उसका नाम रसगुल्ला पड़ा, है ना, इसी तरह बोलते हैं ना। तुम भी किसी चीज के निर्माण की कहानी लिख सकते हो, कोई ऐसी चीज का निर्माण करो उसके बारे में इस तरह से लिखो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज के बारे में कुछ जानकारी भी एकत्र करनी होगी। मान लो ऐसी कोई चीज तुम के बारे में बनाने जा रहे हो, बताने जा रहे हो कि पहले मैं ये था, कोई भी चीज की ये उसका नाम पहले लिखो,
फिर उसके बारे में शुरू करो कि पहले मैं ये था, फिर मैं ये था, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो वो कहाँ मिलता है, कैसे होता है, ये चीजें आप लिख सकते हो, आप इसकी जानकारी लिख सकते हो। ये वाला भी आप अनुमान और कल्पना वाला क्वेश्चन कर सकते हो कॉपी में, ठीक है, रचनात्मक गतिविधि के अंतर्गत। क्लियर? तो आप सब अपने अपनी पसंद का चीज लिखेंगे, कोई भी जिस भी चीज का निर्माण आप कर आपको पसंद होगा उसके निर्माण की कहानी लिखेंगे। क्लियर? तो चैप्टर नंबर 12 इज कंप्लीट ना, ओके। अब यहां पर आपके थोड़े से हैं क्वेश्चन इस तरह के भाषागत बातें, इस बीच में दरिया में लुढ़कता रहा, नीचे क्रियाएं पढ़ो, इनमें से इनमें और लुढ़कना में तुम्हें क्या समानता है, जैसे कि ढकेलना, गिरना, खिसकना, है ना। तो ये क्रिया है, ये सारी क्रिया है, इन चारों क्रियाओं का अंतर समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। तो ये चार जो ढकेलना, गिरना और खिसकना, लुढ़कता, ये सारी क्रिया है, इनसे आप एक एक वाक्य बना सकते हो। फिर चमकीला रोड़ा यहाँ रेखांकित विशेषण चमक से चमकीला बन गया, संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने से चमकीला बन गया, यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। जैसे कि पत्थर है तो पथरीला, रप बड़ी की मात्रा ला पथरीला, काटा है तो टप बड़ी की मात्रा ला कटीला, रस से रसीला और जहर से जहरीला। इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर बुक में ही लिख लोगे, ठीक है, ओके। अब जब तुम मेरे साथ रहती थी, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी से कहते हैं, तो अक्सर मुझसे पूछा करती, बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों को मिलकर बना, कैसे, जैसे जब तुम मेरे साथ रहती हो, पहला वाक्य, तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछती हो, ठीक है। यहाँ पर तो शब्द जो है इन दोनों सब वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अगर ये तो हटा दो तो अलग अलग दो वाक्य हो गए, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसलिए ये अव्यय का एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए हैं, उन्हें भी रिक्त स्थान में लिखकर तुम भी एक एक वाक्य बनाओ। जैसे कि कृष्णन फिल्म देखना चाहता है लेकिन मैं मेले में जाना चाहती हूं, यहां पर क्या आएगा, लेकिन क्या आएगा, क्या आएगा, बोलो तनिष्क। हाँ, मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है, की छोटी की मात्रा, की लिखते जाओ फटाफट। छुट्टियों में हम हम छुट्टियों में सब हम, तो दुर्गापुर जाएंगे, हम सब तो दुर्गापुर जाएंगे, और अगला हम सब तो नाकी, हाँ नाकी जालंधर, यस नाकी, यस राइट। नेक्स्ट में छुट्टियों सब्जी कटवा कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूं, ताकि यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात ना कहती, यदि और यहां पर तो, यदि और तो इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई है इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है और मैं फ्रेंच, हाँ या आएगा, विमल जर्मन सीख रहा है या फ्रेंच, यस। यहाँ पर ये जो भरने वाले वाक्य देखो, यहाँ नीचे लिखा हुआ बल्कि, इसलिए, परंतु, की, यदि, नो, ना कि, या, ताकि, तो इनको देखते हुए इन सारे इसमें अनुच्छेद में आप इसकी कंप्लीट कर लीजिएगा और कल मुझे ये बुक दिखा दीजिएगा कि हाँ हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब कुछ करने के लिए आपके पास है, पास के शहर में कोई संग्रहालय हो तो वहां जाकर पुरानी चीजें देखो, अपनी कक्षा में उसमें बातचीत करेंगे। कोई भी पुरानी चीज जैसे संग्रहालय में जहाँ पर एकत्रित होता है, म्यूजियम वगैरह टाइप का। एनसीईआरटी की श्रव्य श्रृंखला पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये आप देखिए पढ़िए बुक अपलोड करके। एनसीईआरटी का श्रव्य कार्यक्रम पत्थर और पानी की कहानी, ये भी आपको पढ़ना है। पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक पुस्तकालय से लेकर पढ़ो, ये सारी चीजें आप अपने अपलोड करो और वहां से रीडिंग करते रहो साथ के साथ। क्लियर?